हाथरस हादसे पर मायावती का ये पहला बयान आपको हम बता रहे हैं। भोले बाबा के अंधविश्वास में ना फंसे, ये मायावती की तरफ से कहा गया है। भोले बाबा के पाखंडवाद में ना फंसे मायावती का ये बड़ा बयान। बाबा साहेब के बताए रास्ते पर चले, मायावती ने यह बयान दिया है। भोले बाबा के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार राजनीतिक, ये थोड़ा गौर करना चाहिए, सरकार राजनीतिक स्वार्थ में ढीली ना पड़े। मायावती ने बेहद ही कड़ा बयान ये स्वयंभू भोले बाबा के खिलाफ दिया है। अंधविश्वास फैलाने वाले दूसरे बाबाओं पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो मायावती का यह बयान हमने आपको दिखाया। मायावती के इस बयान के मायने क्या हैं, उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो बयान दिए हैं उसको समझिए, उसमें जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। बाबा साकार जाटव समाज से आता है और बाबा के ज्यादातर भक्त दलित समाज से हैं। बाबा की ST SC और OBC वर्ग में गहरी पैठ है। यूपी में दलित वोटों के लिए मायावती की चिंता भी है। बाबा का एटा, आगरा, मैनपुरी में काफी प्रभाव है और बाबा का शाहजहांपुर हाथरस में भी प्रभाव है। यूपी में दलितों की आबादी 22% है और उत्तर प्रदेश में जाटव वोटर 13% है। यूपी में लोकसभा की 17 सीटें आरक्षित हैं और यूपी में विधानसभा की 86 सीटें आरक्षित हैं। आप देखिए कि ये जो इक्वेशन है वो क्या वाकई में, ये जो पॉलिटिकल बयान अभी तक आए हैं उनको प्रभावित कर रहा है, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है। गंगा जी, आपसे मैं ये प्रश्न करना चाह रहा हूं। आप सुन रहे हैं, आप सारी बात देख रहे हैं, जो राजनीतिक दल हैं वो कितने संतुलित होकर इस पर बयान दे रहे हैं, पुलिस जिस तरीके से इस पे आगे बढ़ी है वो भी सवालों के घेरे में। आप क्या मानते हैं, वाकई में क्या ये कोई वोट बैंक का फैक्टर है जो कानून के हाथ रोक रहा है तेजी से बाबा तक पहुंचने में? बहुत सुस्त रफ्तार नहीं लगती आप? आपने बिल्कुल सही पहचाना। सारा घटनाक्रम इसी ओर संकेत कर रहा है कि दोनों बड़ी पार्टियां बाबा के बारे में, या बाबा क्या कहें, ढोंगी बाबा कहना चाहिए, उसके बारे में टिप्पणी करने में संकोच कर रही है, उस पर एक्शन लेने में संकोच कर रही है। और जो मुख्यमंत्री ये दावा करते हैं कि वो बुलडोजर चलाते हैं और जिसका कानून में कोई प्रावधान भी नहीं है, भारत के संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन फिर भी वो बुलडोजर चलाते हैं। देखिए, कायदे से तो न्याय देने का काम न्यायालय का है, लेकिन जब मुख्यमंत्री आगे बढ़ करके उसके लिए वाहवाही लेते हैं तो एक धर्म विशेष के लोगों को क्यों टारगेट करें, इनको भी टारगेट कीजिए। और मैं मायावती जी के इस बयान का स्वागत करता हूं कि उन्होंने काफी दिनों बाद बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते पर चलने वाला एक बयान दिया है कि बहुजन समाज के लोगों को अंधविश्वास से दूर जाकर के और निश्चित तौर पर ऐसे बाबाओं से बचना चाहिए और इस बाबा को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। ये बयान एकदम जो उनकी मूल राजनीति है, जहां से उन्होंने राजनीति शुरू की, उस तरह का बयान है और इसी पे वो लौटेंगे तो उनकी उनको जमीन वापस मिल पाएगी। और निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा सच है आज के जमाने में कि जो SC ST OBC जो कभी जिनको धर्म के बहुत सारे संस्थानों में प्रवेश की भी अनुमति नहीं थी, आज वो धर्म के सबसे बड़े ठेकेदार बन गए हैं, चाहे वो भक्तों के रूप में देखें या यहाँ पे देखें कि बाबा भी बन गए हैं। तो जो अभी तक सवर्णों के हाथ में धर्म का पूरा कारोबार था, वो अब SC ST के लोग भी उसमें हिस्सेदारी कर रहे हैं, खासतौर पर उसमें जो पाखंड वाला हिस्सा है, अंधविश्वास वाला हिस्सा है। तो ये एक सचेत होने की बात है कि भाई अब तक हर साल कोई ना कोई बाबा का भंडाफोड़ होता है, उसकी जो काली दुनिया है उसका सच सामने आता है, इसके बाद भी लोग नहीं समझ पाते। बिल्कुल, और गंगा साहिब से हमने देखा कि मायावती की तरफ से ये कहा गया है कि राजनीतिक स्वार्थ में सरकार बिल्कुल भी ना ढीली पड़े। इस बयान के आधार पर रंजन द्विवेदी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी तक हमने देखा, चाहे सरकार की तरफ से बयान हो, विपक्षी पार्टियों की तरफ से बयान हो, किसी ने भी सीधे तौर पर अभी तक बाबा का नाम ना लिया, ना FIR में नाम बाबा का दर्ज किया गया। क्या आपको लग रहा है, ये वही जो एक असर है वर्चस्व पे, खास तौर पर जो दलित पिछड़ा अति पिछड़ा में बाबा का वर्चस्व है, ये एक वो वजह साबित हो रहा है जहां पर ये जो सरकार है, पुलिस प्रशासन है, वो बाबा के सामने कमजोर हो रही है? देखिए रवि जी, ये आपने अच्छा किया कि माननीय भूतपूर्व मंत्री जी का बयान सामने आप ले आए हैं, ये बड़ी अच्छी चीज है। देखिए, ये इसमें बहुत सारे दलित इन्वॉल्व हैं इसमें, और आप जैसा कि देख रहे हैं कि अगर वहां माना 2.5 लाख लोग थे, अगर और तो इनके पीछे कम से कम 10 गुना लोग और हैं, तो 2.5 करोड़ इनके कम से कम अनुयायी होंगे, और अभी भी लोग जो है जाके वहां पर गेट के सामने माथा टेक रहे हैं। जी बिल्कुल, तो बड़े इसको पूरी
पूरी सिचुएशन को जो है बड़ी संजीदगी से हैंडल करने की जरूरत है, क्योंकि निश्चित तौर पर अगर जो है बाबा के खिलाफ अभी इस समय मामला इतना गर्म है कि कोई कार्रवाई होती है तो एक ये भी बड़ी प्रबल संभावना है कि उनके अनुयायी जो है वो इकट्ठा होकर के जो है प्रोटेस्ट करें, ये करें, वो करें, और एक गरीब लोगों के ऊपर जो है कोई फिर और एक कोई बिल्कुल बिल्कुल ये एक महत्वपूर्ण बात आपने उठाई कि इस चीज में इस बात की सावधानी पुलिस को रखनी पड़ेगी, लेकिन सवाल ये चूंकि मौतें इतनी हुई हैं इसलिए और मैं जी समय जो है बिल्कुल कि ये इस समय जो माननीय मायावती जी का बयान आया है तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये इस जो जो वर्ग है उस पर इनका माननीय मायावती जी का बड़ा होल्ड है। बिल्कुल, तो लोग अलग होंगे और थोड़ा सा इससे भिन्न होंगे, बाबा के साथ को एक दृष्टि से देखेंगे और तब कार्रवाई करने में आसानी होगी, और हम जो है और जो दलित हमारे भाई हैं जो कि बाबा से जुड़े हुए हैं उनको शांत करेंगे कि ऐसा ना हो कि कोई कार्रवाई हो तो वो अपनी जान जोखिम में। बिल्कुल रंजन जी, और हमने देखा जिस वर्ग की मायावती खुद पॉलिटिक्स करती नजर आती है और बाबा का वहां वर्चस्व, लेकिन मायावती की तरफ से ये खड़ा बयान देना अपने आप में एक बड़ा मैसेज है।